बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाया बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन मुमताज। आप भी इस तरीके से दावतों या पार्टियों में ज़रूर बनाएं। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। चिकन मुमताज बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को रफली चॉप कर लिया है, 1 बड़ी साइज का टमाटर लिया इसको भी हमने रफली चॉप कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से काट लिया है। अब ये ऐड करेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर और प्याज को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए प्याज और टमाटर को हमने सॉफ्ट कर लिया है, निकाल लेते हैं। इसे हमें ठंडा करके एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसी कढ़ाई के अंदर 3 हरी इलायची, आधा स्टार फूल और 8 से 10 काली मिर्च ऐड करेंगे। ये हमने 600 ग्राम चिकन लिया, ये ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चिकन का पानी सूखने तक हमें इसे भून लेना है। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1-2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। चिकन को हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है, और 1 कप के लगभग दही ऐड करेंगे। एकदम स्लो फ्लेम पे दही ऐड करना है और अच्छे से मिला लेना है। ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट चिकन के गलने तक पकाएंगे। चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए। अब हम इसके अंदर 1/2 कप के लगभग फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेना है। चिकन पक के तैयार हो गया है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने देसी घी लिया है, इसको हमें अच्छे से गरम कर लेना है। घी को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और अच्छे से हिला लेना है, और इसका हम छौंक लगाएंगे, और थोड़े से हरे धनिया के पत्ती ऐड करेंगे। मिला लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिच ग्रेवी वाली और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा चिकन मुमताज बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।